नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी यह वीडियो है यह खास तौर पर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए है। दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो होते हैं उनके मन में हमेशा एक सवाल आता है कि डायबिटीज़ की बीमारी के चलते केला खाएं या फिर ना खाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं केले के बारे में कि आप डायबिटीज़ में केले को खा सकते हैं या फिर क्यों नहीं खा सकते, अगर नहीं खा सकते तो। दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ होने पर शरीर सही मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज को खींच लिया जाता है ताकि सेल्स में उसे इकट्ठा करके रखा जा सके। नतीजन आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ने या घटने लगता है, जिसका मतलब ये है कि पूरे शरीर में शुगर लेवल को नियमित बनाने में खाद्य पदार्थ काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। ग्लाइसेमिक वाले फूड खाने से ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है और शुगर के बर्न होने के बाद एकदम से कम हो जाता है। अब दोस्तों सवाल आता है कि क्या डायबिटीज़ के मरीज को केला खाना चाहिए। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि केले में कौन कौन से तत्व होते हैं। वो तत्व ही निर्भर करते हैं कि डायबिटीज़ में केला खाया जाए या ना खाया जाए। दोस्तों केला फाइबर से भरपूर होता है, इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन B6 और पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए केले को डाइट में शामिल करना फ़ायदेमंद माना गया है। जी हाँ दोस्तों, केले में पाए जाने वाला विटामिन B6 मूड को अच्छा बनाता है, उसमें उपस्थित विटामिन सी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। पोटेशियम की मात्रा मौजूद होने के कारण यह ब्लड शुगर लेवल को यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, साथ ही फाइबर की वजह से पेट साफ और लंबे समय तक भरा भरा सा रहता है। एक रिसर्च से यह ज्ञात हुआ कि केले में मौजूद स्टार्च 24 ग्राम प्रतिदिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मददगार होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ में वजन को कम करने में मददगार होती है। इसके अलावा मधुमेह के मरीजों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केले में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें खाने से पहले आपको सावधानी रखनी जरूरी है। अब दोस्तों अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का मानना है कि डायबिटीज़ के मरीज भी केला खा सकते हैं, क्योंकि उनके अनुसार केला खाना हेल्दी रहता है। दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक अगर टाइप 2 डायबिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो केला आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये पैदा हो रहा होगा आपके जहन में कि अगर केला खा सकते हैं तो कैसा केला खाया जाए, कच्चा केला या फिर पका हुआ केला। तो दोस्तों केला जैसे जैसे पकने लगता है तो इसमें मौजूद जो स्टार्च होता है वो शुगर में परिवर्तित होने लगता है। जब भी आप पूरी तरह से पके हुए केले को खाते हैं तो आप ऐसे फल को खा रहे होते हैं जिसमें 90% तक शुगर होता है। रिसर्च का मानना यह है कि कच्चा केला कम ग्लाइसेमिक रिएक्शन देता है, इसलिए पके हुए केले खाने की बजाय आपको कच्चा केला खाना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। अब ये बात भी तय हो गई कि कच्चा केला खाएं या पका हुआ केला। अब सवाल अगला जो जहन में उठता है वो ये होता है कि हर रोज़ कितने केले खाए जा सकते हैं। दोस्तों आप रोज़ाना केला खा सकते हैं, आपको अपनी डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब केला खाने की बात आती है तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन आपको यह बताना चाहती है कि कितनी संख्या में केला खाना चाहिए। उनके रिसर्च के अनुसार केले के साइज के हिसाब से उसके कार्बोहाइड्रेट घटक में बदलाव होता है। दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। एक बहुत छोटे केले लगभग 6 इंच या उससे कम में सिर्फ 18.5 ग्राम कार्ब्स होते हैं। दूसरी को मध्यम साइज 7 इंच या 8 इंच का जो केला होता है उसमें 27 ग्राम कार्ब होता है, जबकि 9 इंच या इससे बड़े आकार का जो केला होता है उसमें 35 ग्राम कार्ब हो सकते हैं। हर व्यक्ति की ग्लूकोज के प्रति रिएक्शन अलग अलग होते हैं, इसलिए आपके लिए क्या सही रहेगा यह पता लगाने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अपने भोजन की मात्रा में आपको फल, सब्जियां और केले के बीच में बैलेंस बनाए रखना है, क्योंकि डाइट के मामले में संयम रखना जरूरी होता है और भोजन में अलग अलग तरह के खाद्य आहार शामिल करना स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसलिए अपनी डाइट में आप अंगूर, सेब, ब्लूबेरी और एवोकाडो आदि जैसे फलों को भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल आसानी के साथ बैलेंस में रहेगा। इसके अलावा बॉडी के शुगर लेवल को एक समान बनाए रखने के लिए आपको फल और कार्ब्स का सेवन दिन में थोड़े थोड़े अंतराल पर ही करना है। सही तरह से डाइट प्लान बनाएं और दिन में एक केला खाएं। इस तरह डायबिटीज़ के रोगी केला
केला खाने से होने वाले नुकसानों से भी बच सकते हैं। अगर आपके लिए केला खाना बहुत ज़रूरी है तो कच्चा केला खाएं, और जैसा हमने आपको बताया है इन नियम को फॉलो करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और ऐसी सिचुएशन में आप डायबिटीज़ होते हुए भी केला खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मुख्य जानकारी डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।